तो भाई वो देहरादून है जहाँ से हम लोग आए हैं। इस पॉइंट से पैराग्लाइडिंग होती है जो डायरेक्ट नीचे जाते हैं लोग पैराग्लाइडिंग करके देहरादून। बस ये था कि मैं जो ऊंचाई से थोड़ा सा डर लगता था, मतलब यहाँ पे डर लग रहा है इसमें, यहाँ पे अभी नर्वसनेस हो रही है। अगर हम लोग समझे व्लॉगिंग है क्या, तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से व्लॉगिंग ऐसी एक स्टोरी है जो चाहे शॉर्ट भी हो सकती है और लॉन्ग भी हो सकती है, कैमरे के आगे आके भी बताई जा सकती है और कैमरे के पीछे जाके भी बताई जा सकती है। और व्लॉगिंग एक तरीके की नहीं, व्लॉगिंग बहुत तरीके की होती है। कोई डेली व्लॉगिंग करता है, डे टू डे व्लॉगिंग करता है, कोई फैमिली व्लॉगिंग करता है, कोई कपल व्लॉगिंग करता है, कोई ट्रैवल व्लॉगिंग करता है एंड कोई सिनेमैटिक व्लॉगिंग करता है। ऐसे बहुत अलग तरीके की व्लॉगिंग होती है। तो आप लोगों को ये चीज़ समझनी होगी कि आप किस टाइप की व्लॉगिंग कर सकते हो, आप कहाँ रहते हो, किन के साथ रहते हो और लाइफस्टाइल क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग ये चीज़ समझ सकते हो कि आपको अपने व्लॉग्स कैसे बनाने, अपने व्लॉग्स में क्या दिखाना है। अगर आप लोग कुछ गाँव में रहते हो तो गाँव के व्लॉग्स बना सकते हो, जरूरी नहीं आपको शहर में जाके कुछ और चीज़ें करनी है, आप जिस जगह पे हो उसी चीज़ का फायदा उठा के व्लॉग्स बना सकते हो। जैसे मैं कुछ ऐसी जगह पर हूँ तो मैं ऐसी जगह का फायदा ही उठा के हिल एरिया में व्लॉग्स बना सकता हूँ। बहुत लोग वॉच करते हैं, बहुत ज्यादा ऑडियंस है। तो ये है, आपको ये चीज समझनी होगी कि आपकी ऑडियंस कैसी है और आप किस टाइप के व्लॉग बनाओ। तो नेक्स्ट चीज आती है इक्विपमेंट्स। अब व्लॉगर्स का क्या होता है, इक्विपमेंट्स से बहुत चीजें होती है, बहुत चीजें खरीदनी पड़ती है। माइक्रोफोन हो गया, कैमरा हो गया, ट्राइपॉड, गिम्बल, लाइट्स, बहुत सारी चीजें हैं। अगर मैं आपको कैमरे का बताऊं, स्मार्टफोन का कैमरा बहुत ज्यादा सही है, आपको किसी बड़े महंगे कैमरे पे इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, बहुत सही है स्मार्टफोन का कैमरा। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, सौरभ जोशी आज के टाइम पे सबसे बड़े व्लॉगर, 20 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स है, उन्होंने 12 मिलियन सब्सक्राइबर्स तक आईफोन का कैमरा यूज किया और आईफोन से भी पहले उनके पास रियलमी था और उन्होंने उसी से व्लॉगिंग करी है। 12 मिलियन के बाद उन्होंने एक कैमरे पे स्विच कराया, मिररलेस कैमरे पे सोनी के, उससे पहले उन्होंने सारे के सारे व्लॉग्स एक फोन से शूट करके डाले। तो जब वो कर सकते हैं और 12 मिलियन तक पहुंच सकते हैं तो आप क्यों नहीं। एक और ऑप्शन आता है हमारे पास व्लॉगिंग करने के लिए जो है गोप्रो। गोप्रो एक बहुत ही अच्छा तरीका है, आप लोग व्लॉग कर सकते हैं इसके थ्रू, बहुत सही है, आप इसका भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास एक अच्छा स्मार्टफोन नहीं है और आप चाहते हो नहीं यार मुझे अपने स्मार्टफोन से व्लॉगिंग नहीं करनी है, मुझे एक अलग से कैमरा चाहिए, तो एक्शन कैमरा आपकी चॉइस बन सकती है। नोमैड शुभम, अगर आपने नाम सुना होगा, नोमैड शुभम एक ट्रैवल व्लॉगर्स है जो 40 से भी ज़्यादा कंट्रीज में घूमे और उन्होंने गोप्रो से ही व्लॉगिंग करी है। आज तक उनके चैनल पर जितने ही व्लॉग है ज़्यादातर गोप्रो से डले। एक और चीज़ भाई, माइक्रोफोन पर कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ मत करना, ऑडियो क्वालिटी हमेशा आगे होनी चाहिए। वीडियो पर कॉम्प्रोमाइज़ कर दो एक बार के लिए, स्मार्टफोन से शूट कर लो, लेकिन ऑडियो पर कभी कॉम्प्रोमाइज़ मत करना। अगर आप लोगों के पास आईफोन है तो ऑडियो क्वालिटी अच्छी होगी, अगर नहीं है कोई और मतलब बजट फ़ोन है तो एक एक्सटर्नल माइक ले लो, शॉटगन माइक ले लो, सस्ता ले लो भली, बट माइक्रोफोन ले लो अलग से। व्लॉगिंग के लिए एक और चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है लाइटिंग। लाइटिंग के लिए कोई जरूरत नहीं है आपको कोई एक्सपेंसिव लाइट बाय करने की अलग से, घर पे लाइट लगाने की भाई नेचुरल लाइट इज बेस्ट अगर आप लोग स्टार्ट कर रहे हो, इसके अलावा कोई अच्छी चीज नहीं है, नेचुरल ही सबसे बेस्ट। नेक्स्ट चीज मैं आपके साथ तीन टिप्स शेयर करता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर लोगों ने बताया नहीं यूट्यूब पे आज से पहले। व्लॉगिंग अगर आप स्टार्ट करने वाले तो ये तीन चीजें जरूर ध्यान में रखना, फिर आगे जाके अपने कॉन्टेंट क्रिएट करते रहना, लेकिन ये चीजें तीन चीजें जान लेना और समझ लेना। सबसे पहली चीज आती है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है जिस पे लोग ध्यान नहीं देते, एक टाइम पे देते हैं फिर कुछ टाइम बाद भूल जाते हैं, वो है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी इज अ की टू सक्सेस अकॉर्डिंग टू सौरभ जोशी। अगर हम सौरभ जोशी को भी देखें एग्जांपल के लेके चले या फिर किसी कहीं और ब्लॉगर्स को भी लेके चले, तो बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट रहे हैं, इसी रीजन की वजह से उनकी ग्रोथ बहुत ज्यादा अच्छी हुई है। सौरभ जोशी को लेके चले, लास्ट 2 ईयर्स के अंदर सौरभ जोशी ने एक भी गैप नहीं लिया भाई, मुझे नहीं पता शायद स्टार्टिंग से उन्होंने एक भी व्लॉग छोड़ा नहीं होगा। 365 डेज में 365 व्लॉग्स आए हैं, जो ये लेवल है कंसिस्टेंसी का, अगर आपने ये टच कर लिया तो शॉर्ट आप आगे करो ग्रो करोगे, भले हो सकता है आपकी ग्रोथ थोड़ी स्लो लेकिन एक टाइम पे आके वो ऐसे ऊपर को बूम मारेगी। तो कंसिस्टेंसी इज अ की टू सक्सेस। जो हमारी दूसरी चीज है वो बहुत सारे इंडियन ब्लॉगर्स यूज करते हैं भाई आज के टाइम पे भी, चाहे फेमस ब्लॉगर हो चाहे ज्यादा ग्रोइंग स्टेज में हो, लेकिन ज्यादातर ब्लॉगर्स यूज करते हैं इस चीज को और आम जो सिंपल व्यूअर्स हैं वो इस चीज को पता नहीं लगा पाते। तो मैं आपको बताता हूँ, ये चीज है कि किसी चीज को, किसी इंसान को या किसी जगह को यूज करना अपनी ग्रोथ के लिए, अपने व्यूज के लिए उनको यूज करना, वो चाहे एक जगह हो सकती है, चाहे कोई इंसान हो सकता है, चाहे कोई प्रोडक्ट या कोई थिंग हो, चीज हो सकती है, चाहे वो एक आईफोन हो, चाहे आपने इसका टाइटल डाल दिया या फिर इसके ऊपर कुछ कंटेंट बना दिया व्लॉग्स में, मतलब आईफोन टूट गया या फिर आईफोन बाय करने गए या फिर ये इतना उतना, तो किसी चीज का जो ऑलरेडी फेमस है आप उसका यूज कर रहे हो अपने व्लॉग्स में ताकि आपके कॉन्टेंट को ऊपर लाया जा सके।
चाहे वो कोई चीज़ हो, स्मार्टफोन हो या कुछ भी हो सकता है, या फिर कोई जगह हो। मतलब काफ़ी लोग केदारनाथ जाते हैं, केदारनाथ की व्लॉग बनाते हैं, उनके चैनल पे कम सब्सक्राइबर्स रहते हैं, लेकिन उनका चैनल के जो व्यूज़ होते हैं उन वीडियोस पे बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उस टाइम पे लोग केदारनाथ को सर्च कर रहे होते हैं। और ऐसी बहुत सारी जगह जो ट्रेंडिंग पे आती है, किसी मंथ में आती है, जो ठंडी के टाइम पे जहाँ पे बर्फ़ पड़ती है, तो आप उस पॉइंट पर जाके उसके ऊपर वीडियो बना सकते हो ताकि आपके वीडियो पे ज़्यादा व्यूज़ आए। तो सिंपल चीज़, आप किसी चीज़ को, किसी जगह को या किसी इंसान को यूज़ कर सकते हो अपने व्यूज़ के लिए, अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए। अगर ग्रोथ स्टेज में हो तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है इस चीज़ से। तीसरी चीज़ जो भाई आपको बहुत कुछ सिखा सकती है, अगर आपने ये चीज़ समझ ली और इस चीज़ को किया, तो आप के अंदर एक टैलेंट आ जाएगा नेचुरली, जिससे आप आगे उभर कर आओगे। वो है कि आप और व्लॉगर्स का कंटेंट वॉच करो, ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सिर्फ उनका कंटेंट वॉच करके सिर्फ कंज्यूम मत करो, उसको समझो, मतलब उस चीज़ को समझो कि जैसे अगर उनका एंगल भी देख रहे हो, उनकी स्टोरी भी देख रहे हो, उनका डेली रूटीन भी देख रहे हो, तो उस चीज़ से कुछ समझो। उन्होंने उसको व्लॉग में दिखाया तो वो पार्ट इंटरेस्टिंग था, इस चीज़ को मैं भी क्यों नहीं ऐड ऑन कर सकता अपने कंटेंट के अंदर। और भी बहुत सारी चीज़ें जो आप किसी और के व्लॉग्स देख के समझोगे, जो ग्रो कर रहा है बंदे, वो क्यों ग्रो कर रहा है, उसके व्लॉग्स देखो, क्या ऐसा रीज़न है जो आप उसको वॉच करते हो, लोग उसको वॉच करते हैं। तो उस चीज़ को अगर आप समझोगे, हर एक व्लॉगर से उसको चीज़ें ऐड करोगे अपने कंटेंट के अंदर, मतलब कॉपी करने को नहीं बोल रहा हूँ, सीखने को बोल रहा हूँ, सीखोगे और अपने कंटेंट में दिखाओगे, इम्प्रूव करोगे, तो आपकी भी ग्रोथ अच्छी होगी और आपके कंटेंट की क्वालिटी भी इम्प्रूव होगी। तो ये तीन चीज़ें ज़रूर ध्यान रखना आप, इससे आपका बेनिफिट होगा बहुत। ये तीन टिप्स मेरी तरफ से आपके लिए। आई होप आपने व्लॉगिंग करियर में बहुत आगे जाओ। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आएगी तो जरूर लाइक कर देना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा।